करंट का डीसी होता तो ये इतना चार्ज कैरी कर लेता इतने समय में, इस समय में जिसे हम टाइम पीरियड का आधा कह सकते हैं या हाफ साइकिल कह सकते हैं इस एसी का, तो इतने समय में टी बाई टू समय में आई करंट डीसी करंट इतना चार्ज ये कैरी कर लेता जो कि बराबर होता इस एसी के द्वारा सेंड किए गए अपने हाफ साइकिल में सेंड किए गए चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो इस केस में इस डीसी करंट के स्पेशल वैल्यू को हम कहते हैं मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एसी। यही तो है इस एसी का एवरेज वैल्यू, इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जैसे कि हमें पता है कि चार्ज सेंट इन हाफ साइकिल, चार्ज सेंट इन हाफ साइकिल बाय ऑल्टरनेटिंग करंट, ये बराबर होता है मैक्सिमम करंट इनटू टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव या ऑफ दिस एसी साइकिल डिवाइडेड बाय पाई के। जिस वीडियो में हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और उसे मैं सजेस्टेड वीडियोस में भी डाल रहा हूं। टॉप राइट कॉर्नर के इस सजेस्टेड वीडियोस के आइकन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसका एवरेज वैल्यू अगर ये हो आई एवरेज या आई मीन, तो जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि इस आई मीन करंट का अगर कोई डीसी हो तो वो उतने ही समय में टी बाई टू समय में उतना ही चार्ज सेंड करेगा। तो सिमिलरली चार्ज सेंड बाय डीसी इन सेम पीरियड ऑफ टाइम इतने ही समय में इसे भी हम Q ही कहेंगे, that should be equal to, चूंकि इस केस में करंट कांस्टेंट है, देखिए करंट का जो वैल्यू है ये वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट करंट जिसका मैग्नीट्यूड है ये आई मीन या एवरेज करंट या मीन करंट। सो कांस्टेंट करंट में हमें पता है कि चार्ज सेंट इज इक्वल टू करंट इन टू टाइम। यहां पर टाइम कितना है, यहां पर टाइम है टी बाई टू। टी बाई टू टाइम में डीसी का ये मैग्नीट्यूड इतना ही चार्ज सेंड कर रहा है। सो यहां पर हम कह सकते हैं चार्ज सेंड बाय डीसी इन द सेम टाइम दैट इज टी ओवर टू इज इक्वल टू द कांस्टेंट करंट जो कि इस एसी के लिए मेन करंट है और डीसी के लिए ये कांस्टेंट करंट है इनटू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इस एसी का। तो फिर इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये मान ले इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एसी या मीन वैल्यू ऑफ दिस एसी इनटू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय पाई। So, इससे आगे एवरेज वैल्यू होगा एसी का ये होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट या फिर मैक्सिमम करंट इनटू टी डिवाइडेड बाय पाई इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टू। सो ये डिवाइडेड बाय टू जो है ये डिनोमिनेटर